ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हम एक यूनिक रीडिंग के साथ आए हैं जो कि होगी मंथली रीडिंग, विच इज़ कि आपके आने वाले मंथ में क्या दो सबसे बड़ी चीज़ें, घटनाएं, भविष्यवाणी दिख रही है, क्या करना चाहिए आपको। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी दो बड़ी चीज़ें हैं जिसकी पूरी पूरी चांसेस हैं कि अगस्त महीने में 2024 में आपकी लाइफ में वो होने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। अगर ये अगस्त में आपके बीच में ही मिलती है तो यानी कि आपको डिवाइन तभी वो चीज़ें बताना चाहते हैं, सो उसको उसके अकॉर्डिंग लें। दूसरा, जितने लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग्स अगर मेरी पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें। ठीक है, एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि इन रीडिंग्स को जनरल रीडिंग की तरह लें, अपने नाम, राशि, मून या सन साइन के अकॉर्डिंग लें। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो हम जल्दी से अब रीडिंग को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए। ऑल राइट, सो अक्वेरियस यानी के कुंभ राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन सी दो सबसे बड़ी घटनाएं दिख रही हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो क्लैरिफायर के लिए भी साथ में दूसरा डेक निकालेंगे कुंभ राशि के लिए। सो कुंभ राशि, क्या दिख रहा है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहला कार्ड है फ्रेंड्स प्रोजेक्शंस का। प्रोजेक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस का कार्ड होता है, चीज़ों को चेक करने का होता है, देखने का होता है कि क्या हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं एक्वेरियस आपकी लाइफ में, अगस्त में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जहाँ पर अभी तक शायद आप बहुत ज़्यादा अटके हुए थे। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी, आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो या आप थर्ड पार्टी बन के आए हो, सो वहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जहाँ पर आपको शायद समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में डिसीजन क्या लेना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, इस पूरी एनर्जी से मुझे आप निकलते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगस्त में जिस सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी की वजह से अटके हुए थे, वहाँ पर आप बैठकर एक बहुत बड़ा डिसीज़न बनाते दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। आपको शायद समझ में आ रहा है कि फाइनली क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये सब हुआ और वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है और ये थर्ड पार्टी की वजह से जो आपकी लाइफ अटकी हुई थी वो शायद चलती नज़र आ रही है, उसमें कुछ मूवमेंट होने वाली है। सो एक बहुत बड़ा डिसीज़न है कि एक थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपकी लाइफ अटक रखी थी तो आपको शायद क्लैरिटी मिल जाए। अगला देखते हैं क्या दिख रहा है, द लवर्स। लवर्स तो आपको पता ही है क्या कार्ड है, मीनिंग क्या है। द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। देखिए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली, पर्सनली या तो किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या कोई बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अभी तक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए थे जहाँ पर आपको क्लैरिटी की वजह से प्रॉब्लम थी, उस पर्सन की वजह से हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। देखिए, ये आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकती है क्योंकि आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि पावर से रिगार्डिंग, लव में ओवर पावर करना, सामने वाले को बहुत ज़्यादा दबाना, सिर्फ अपनी चलाना और इरिटेशन क्रिएट करना, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। जो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था सामने वाले की तरफ से, वहाँ पर आकर बहुत बड़ा एंडिंग होने वाला है। एंडिंग रिलेशनशिप में नहीं, एंडिंग उसकी पावर का, एंडिंग उस डोमिनेंस का, वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। सो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, सामने वाले ने घुटने टेक दिए,
इस टाइप की चीज़ कि उस इंसान को जो हाई लेवल ऑफ़ फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, जो हाई लेवल ऑफ़ गुस्सा आता था, या वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी दबाने की कोशिश करता था कि नहीं मेरे ही अकॉर्डिंग चलना है, मैं जैसे कहूँ वैसे ही होगा, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही थी, ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, तो वहाँ पर हो सकता है आपका बॉस हो, मैनेजर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, जो इस तरह का आपको ओवरपावर करता था, आपको दबाने की कोशिश करता था, उसकी कहीं ना कहीं डोमिनेंस ख़त्म होती नज़र आ रही है। सो ये बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है एक्वेरियस आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है और आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर अगस्त मंथ, क्या करना चाहिए अगस्त मंथ के लिए डिवाइन गाइडेंस। सबसे पहला कार्ड मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपके आसपास ही है हर एक चीज़ मैजिक, आप शायद उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे, आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो, ठीक है। अगला है फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। देखिए कहीं ना कहीं जो होता है ना कि हम ऊपर वाले को देख नहीं पाते और हमें लगता है हम बिल्कुल अकेले हैं, तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि वो आपके साथ है, आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें, ठीक है। अपने आप को इस तरह से रखें, इस तरह से डील करें चीज़ों को कि लाइफ आपके लिए ईजी हो, आप टफ ना बनाएं अपनी लाइफ को खुद ही, ओके। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, बाकी नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, बाय फॉर नाउ।